नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। हमारे वीकेंड स्पेशल नहले पे दहला टक्कर में आपका स्वागत है। टक्कर में हम हफ्ते भर के सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज टक्कर में हमारे सवाल होंगे कि क्या वाराणसी में पीएम मोदी के मेगा शो से चुनाव की दिशा बदल जाएगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव न लड़ना मोदी के लिए वॉकओवर है? राहुल और प्रियंका पीएम की तरह अभी तक के चुनाव में ग्रैंड शो क्यों नहीं कर पाए? और क्या प्रधानमंत्री को अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू से मोदी का व्यक्तित्व चुनाव का मुद्दा बन गया है? ऐसे तमाम सवालों पर आज पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टक्कर होगी। टक्कर में आज के हमारे मेहमान है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, और साथ ही बीजेपी की प्रवक्ता चारु प्रज्ञा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। टक्कर शुरू करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि बहस के दौरान हमारा टक्कर मीटर भी चलता रहेगा। किसने सटीक तर्क दिए और किसने कुतर्क देकर सवालों को भटकाया, इसके हिसाब से मीटर में नंबर घटते बढ़ते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की टक्कर। टक्कर में हमारा पहला सवाल है कि क्या वाराणसी में पीएम मोदी के मेगा शो से चुनाव की दिशा बदल जाएगी? ये हमारा पहला सवाल है। सबसे पहले चारू, आपने इस रोड शो को सिर्फ इसीलिए प्लान किया क्योंकि आप ये चाहते थे कि पीएम का व्यक्तित्व एक चुनावी मुद्दा बन जाए। क्यों बन जाए मैं इस पर आऊंगा, लेकिन आप क्या पीएम के व्यक्तित्व को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं? व्यक्तित्व आगे और 5 साल का काम पीछे, ये करना चाहते हैं आप? जब मोदी जी कहीं जाते हैं वो अपना काम अपने से पहले भेज देते हैं दीपक जी, ये हम सबको पता है। तो जिस तरीके से वाराणसी हमारी आंखों के सामने बदला है, सबने देखा। जिस तरीके से वाराणसी में आज स्वच्छता है वो हम सबने देखा। जिस तरीके से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता जा रहा है वो हम सबने देखा। आप ये देखिए, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, लेकिन गांधी परिवार के भी तो व्यक्तित्व बहुत बड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो उनके पास भी रही है, बल्कि उनके पास तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कब से रही है, कितने डेकेड से रही है। लेकिन आज हम रायबरेली जाकर, अमेठी जाकर उस शहर को क्या दिखा सकते हैं जनता को? क्या हम उस शहर पे इस तरीके से टीवी पे चल सकते हैं जैसे हमने वाराणसी में कर दिखाया? तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी से पहले उनका काम जाता है, उनके बोलने से पहले उनका काम बोलता है। यही वाराणसी की जनता ने देखा और इसीलिए मोदी जी के लिए इतना ज्यादा वहां की सड़कों पर प्यार उमड़ा। तो व्यक्तित्व को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं आप, बताइए। व्यक्तित्व कोई मुद्दा है ही नहीं, लेकिन अगर आप किसी का व्यक्तित्व देखकर प्रभावित हो रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है भाई। उनके सामने कौन है आप ये भी देखिए, उनके सामने कोई नहीं है, कोई भी उनके सामने नहीं है। विपक्ष के पास एक नेता नहीं है, एक नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। सब लोग, आपको अगर याद होगा, आपको मुझसे ज्यादा याद होगा, वो कर्नाटका का आप सीन याद करिए, वो चित्र जो हर न्यूज़पेपर में छपा था, सब हाथ पकड़ के खड़े रहे थे, सब अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मान रहे थे। कुछ ही समय बीता है दीपक जी, अब कहां गया वो चित्र? आज वो ही विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर उंगलियां उठा रही है। हम इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, इनके पास बताने को बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं। अमेठी रायबरेली में सीधा आरोप है चारू प्रज्ञा जी का। अब चारू जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो ऐसे ही कहेंगे। सच्चाई ये है कि व्यक्तित्व पर आदमी कब आता है दीपक भाई? तभी आता है ना जब उनको काम दिखाने के लिए कुछ नहीं, जब इनके पास कुछ नहीं चला, कोई इनका, जैसे कहते ना कि एक बड़ा पुराना निदा फाजली का दोहा था कि ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने किसके नाम से मिले ज्यादा भी। तो आज की डेट में उसी बनारस कब में कोई जागृत शहर नहीं था, आप बताइए। 5000 साल की जागृत सभ्यता अगर कहीं पूरी दुनिया में कहीं है तो बनारस की है, और तो कोई ऐसा शहर है नहीं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। आज की डेट में मोदी जी को देखिए कि वहां पर उन्हें इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ये अच्छी बात है या शर्म की बात है, ये तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि इवेंट मैनेजमेंट करके, फूलों को लाके, लोगों को लाके, इसको लाके, उसको ला करके 2 दिन लगातार उन्होंने पूरा इवेंट मैनेजमेंट किया। और अगर इवेंट मैनेजमेंट था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कर लिया जी? अगर इतनी सिंपल अपनी अपनी बारी पे बात करें, अगली बार से मैं इनके बीच में बोलूं है दीपक जी, ठीक है? आपका सवाल आपने बोल दिया, सुरेंद्र भाई आप बोलिए जी। तो अब अगर बीच में होगा तो फिर मुझे उम्मीद है कि फिर मैं इनको नहीं बोलने दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपका अच्छा एक शो है, उसको उसकी गरिमा बना करके रखें। तो मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से बड़ी संवेदना कह रहा हूं कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट, अभी चारू बहन ने कहा हमसे कि भाई क्यों नहीं बनाया, हमने हम तो नहीं बना, हमारे पास पैसे नहीं।
हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हजारों करोड़ रुपए ऑफिस बनाने के लिए नहीं, हमारे पास नहीं है। अच्छा, हम आज की डेट में मुझे ये बताइए कि 15 करोड़ रोजगार छीनने वाले लोग, 4 करोड़ 70 लाख रोजगार नोटबंदी की वजह से एनएसएसओ कह रहा है, 10 करोड़ इन्होंने वादा किया था। अब 15 करोड़ रोजगार छीनकर अगर कोई आदमी इवेंट बनाना चाहे तो उनको मुबारक। खाद के कट्टे की बोरी में से 5 किलो यूरिया चुरा करके, चोरी करके वो चोर अगर इवेंट बनाना चाहे तो वो उनको मुबारक। भाई हम तो आज की डेट में इवेंट बनाएं तो किस बात का बनाएं, हमें ये इवेंट नहीं बनाना। आपके पास हमें तो इवेंट बनाने के लिए नहीं है सुरेंद्र जी, नहीं नहीं सर, सीधा सीधा कह रहा हूँ आपने जानते हैं हमारे ज्यादा है, अंदर स्क्वायर फीट ज्यादा है, आप क्या बात कर रहे हैं। आपका तो हर नेता करप्शन के चार्जेस पे बेल करे और आप कहते हैं आपका नेता तो देशद्रोह के आरोप में है, जो आदमी चुनाव का टिकट देते हैं देशद्रोह के आरोप में, शहीद हेमंत करकरे की बेइज्जती करने वाला, पाकिस्तान के साथ में सुर से सुर मिला करके श्राप देने वाला मसूद अजहर का साथी, मसूद अजहर का दामाद बोलता है, मसूद अजहर का दामाद जी कौन बोलता है, राहुल गांधी का दामाद है मसूद अजहर, जिसको करोड़ों रुपए दे करके आप लोग हैरान छोड़ करके आए थे। और ये है मसूद अजहर अच्छा, देशद्रोहियों के साथ आप आईएसआई को हिंदुस्तान लाए, आप हिंदुस्तान वैलिडेट आईएसआई को करने वाले, आप अरे अमित शाह आईएसआई को वैलिडेट करें पठानकोट और देशद्रोही कहलाए, हम क्या बात करते हैं पीडीपी के साथ सरकार बनाए, पत्थरबाजों को छोड़े आप, सारी के सारे लोगों को छोड़े आप, देशद्रोहियों का साथ आपने और हमारे हेमंत सिंह हेमंत करकरे को पाकिस्तानियों के श्राप से मारे आप, और हम हैं देशद्रोही। अरे देशद्रोही तो आप हैं, देशद्रोह की देशद्रोही तो आप हैं, पाकिस्तानियों के साथ ही आप एक दूसरे पर बोल सकते हैं, पर जब भी आप एक दूसरे पर बोलेंगे आप दोनों के पॉइंट्स कटेंगे। तो आप ये देखिएगा टक्कर मीटर लगातार चल रहा है, मेरे प्रोड्यूसर सुधांशु आपको दिखाएंगे कि टक्कर मीटर किस तरीके से चल रहा है। आप बोलिए एक दूसरे के ऊपर, ये आपकी प्रेरोगेटिव है कि आप एक दूसरे को पर बोले लेकिन आपके अंक कटेंगे। लेकिन अगला सवाल जिस पर मैं जाऊंगा और हम इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, और ये सवाल है गठबंधन के बारे में, क्योंकि गठबंधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो ये है कि बीजेपी ने गठबंधन की एकजुटता दिखा दी लेकिन कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की वो एकजुट क्यों नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं चारू से पूछूं कि क्यों एनडीए के दल कम हो गए। सबसे पहले राजपूत जी आप बताइए, चारू ने जिस बात का जिक्र किया था कि जो हमको तस्वीर देखने को मिली थी जेडीएस और कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में, उस तस्वीर का क्या हुआ, वो तस्वीर जो लुप्त हो गई एकाएक चुनाव से पहले। दीपक भाई बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है आपने, और आप तो लोकतंत्र के पहरुओं में से एक रहे हैं, तो आप तो जानते हैं कि बहुलतावादी लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और चुनाव लड़ने के बाद आदमी मिलेगा या अलग हटेगा, सबकी अपनी नीति है, अपने अपने सिद्धांत है। आज की डेट में हम कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद सब लोग हमारे साथ में थे, और 23 तारीख को चुनाव जीतने के बाद फिर हमारे साथ में, मतलब लड़ेंगे अलग अलग, बिल्कुल लड़ेंगे अलग अलग, जाएंगे साथ में। अब कौन सा गठबंधन, आप चुनाव में जाएंगे अलग अलग, किसी को भरोसा नहीं है कांग्रेस, आपसे तो ये उम्मीद नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, जनता जानेगी, जनता जानना चाहेगी, आप लड़ेंगे अलग अलग। मुझे तो उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप ही को देना चाहिए, आप एक बात बताइए मुझे, आप तो दीपक भाई इतने ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, आप फिर ये बीच में आप देखिए दोनों के अंक कटेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए दोनों के अंक कटेंगे, राजपूत जी को बोलने दीजिए, मैं आपको बड़ी खत्म करिए, जल्दी से खत्म, बड़ी जिम्मेवारी से सवाल की तरफ चलेंगे कि बहुलतावादी लोकतंत्र में निश्चित तौर पर हर दल को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, और आज की डेट में चुनाव के बाद गांधीवादी विचारधारा हो, लोहियावादी विचारधारा हो, या अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, चुनाव लड़ने के बाद सब साथ में आएंगी और गोवलकरवादी और गोडसेवादी विचारधारा को परास्त करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कट्टी जी, दिल्ली में दोस्ती, ये नहीं चलता आज के प्रजातंत्र में, जनता बहुत समझदार हो गई है सुरेंद्र सिंह भाई, ये नहीं चलता आज के लोकतंत्र में। पीडीपी पीडीपी और बीजेपी एक साथ लड़े थे चुनाव, क्या हुआ हज आप बताइए, 4 साल लगातार उसके बाद शिवसेना और महाराष्ट्र में बीजेपी एक साथ लड़े थे, बिहार में ठगबंधन जो हुआ इनका नीतीश कुमार के साथ, ये एक साथ चुनाव लड़े थे,
आप बताइए ना सुरेंद्र जी कैसी बात है। वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है, इसी बात को आगे लेकर चलता हूँ। चलो अपना इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ये बताइए, शिवसेना जिसके नेता उद्धव ठाकरे ने एक रैली में खड़े होकर कहा राहुल गांधी का नारा कि चौकीदार चोर है, आप चाहे तो वो नारा मैं सुनवा सकता हूँ, लेकिन आखिरी दिन आपने उसके साथ अलायंस कर लिया, उनको पटा लिया। फिर इसके बाद एनडीए से भी लोग टूटे, जैसे चंद्रबाबू नायडू एनडीए से टूट के अलग हुए, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन के दल छिटक के अलग हुए, या जिनसे आपकी कट्टी थी 5 साल तक उनसे आपने एनके प्रकारन दोस्ती कर ली? दीपक जी, स्पेशल स्टेटस में मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन स्पेशल स्टेटस मिलने के लिए बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो पूरे होने चाहिए, जो इस समय नहीं हो पा रहे हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन आप गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, नोकझोंक किसी भी परिवार में, अरे जिसका डीएनए खराब हो तो उसका तो बता दीजिए, डीएनए नीतीश कुमार का तो डीएनए खराब था, उस डीएनए खराब वाले के साथ आपने बिहार को ठगने का काम किया तो क्यों किया, ये भी बता दीजिए। आप मेरे कान में चिल्लाएंगे इसका कोई फायदा नहीं है, मैं आपके करीब ही बैठी हूँ तो आप चिल्लाने की जरूरत नहीं। जनता के लिए बात कर रहे हैं, आप इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल करें, हमें पता है कितना चिल्लाना है और कितना नहीं चिल्लाना है। आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में जिसका डीएनए खराब था उसके साथ तो आप उनके साथ बोलूंगी टक्कर मीटर चला, ऊपर नीचे करो उसको, ऊपर नीचे जैसे ही एक दूसरे पे बोले ऊपर नीचे करिए उसको, चारों जवाब दीजिए। देखिए, और मैं उसके बाद सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा, जवाब दीजिए चारों। एक दूसरे पर उंगलियां तब उठनी चालू होती हैं जब हार सुनिश्चित हो। विपक्ष ने एक दूसरे पर जो उंगलियां उठानी शुरू कर दी, बिहार में जो गठबंधन है आपका उसमें आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी की वजह से हार होगी। अरविंद केजरीवाल का सुन लीजिए, राहुल गांधी की वजह से हार होगी। जब एक दूसरे पर उंगली उठानी चालू हो जाती है, मतलब वो अभी से सोच रहे हैं हार का ठीकरा किसके सर पे पोड़े, सबने ढूंढ लिया है राहुल गांधी। जहां पर गठबंधन की बात है, जिस तरीके से मोदी जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, वहां पर ये दिखाई दिया कि सच में सबका साथ सबका विकास है, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट तब करा जा रहा है जब जरूरत है। चौकीदार चोर है, पहली बार कहते हैं हमारे मंत्रियों को, हमारे मंत्रियों को काम नहीं करने देते थे, उन्होंने आरोप लगाए, कितनी बार आरोप लगाए उन्होंने, कोट किया। आप ये देखिए, ये हमारे ऐसे अलायंस पार्टनर्स हैं जिनको नीतीश कुमार के लिए क्यों नहीं पूछ रहा, नीतीश कुमार नाम है, नीतीश सेना के एक एमपी ने संसद में बैठकर कहा इस देश को कोई अच्छी तरह चला सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी है, शिवसेना के सांसद ठीक है, उन्होंने कहा शिवसेना के सांसद ने, लेकिन शिवसेना के सुप्रीमो नेता उद्धव ठाकरे ने एक रैली में महाराष्ट्र में कहा चौकीदार चोर है, कोट किया या नहीं, राहुल गांधी के लाइन के कोट किया या नहीं, कोट किया कहा ना, कहा ना, आज के दिन कहा ना, सब चीजें साथ में होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और जब सब चीजें विपक्ष की साथ में होनी चाहिए वो तितर बितर है, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। सुरेंद्र भाई मुझे ये बताइए कि आप और नीतीश कुमार लाई थे, अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार आपको छोड़ के इनके पाले में चले गए, मुझे इसका सीक्रेट तो समझा दीजिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये बहुत सही बात आपने कही, ये प्रश्न आप गलत आदमी से कर रहे हैं दीपक, इनसे भी पूछूंगा मैं, इनसे इन्होंने क्या गुट्टी पिलाई। हाँ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो उस ठग बिहार के नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारा तुम्हारा हम तो फिर कह रहे हैं कि ये बात नीतीश कुमार से पूछनी चाहिए कि उस ठग नीतीश कुमार ने, भाई ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों से के साथ चुनाव जीते, हम लोगों के साथ गठबंधन करके चुनाव जीते, हमने कम सीटों के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया, उसके बाद ये जाकर के बीजेपी के साथ क्या हो गया, सरकार हमारे साथ, जनता हमारे साथ, लड़ेंगे हमारे साथ और ठगेंगे जाके भाजपा के साथ, यही तो बताइए कि है क्या, वही तो है, मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैं चारों जी से भी पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार नाम के ठग से, कर्नाटक में भी जाएंगे, अगर आप कर्नाटक पर बात करना चाहती है तो हम कर्नाटक पर भी जाएंगे, पर मुझे आप ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, चारू प्रज्ञा जी चारू प्रज्ञा जी अरे नीतीश के लिए बोल दीजिए, क्या ठगी की है भाई, इन्होंने महागठबंधन बनाया, नीतीश कुमार के डीएनए के सैंपल अभी भी उनके सरकारी आवास में रखे हुए हैं जो उनको प्रधानमंत्री को भेजा।
अरे नीतीश के लिए बोल दीजिए कि क्या ठगी की है भाई, इन्होंने महागठबंधन बनाया। नीतीश कुमार के डीएनए के सैंपल अभी भी उनके सरकारी आवास में रखे हुए हैं, जो उनको प्रधानमंत्री को भेजने थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डीएनए पे सवाल उठाए थे। अब मुझे ये बताइए कि आपने नीतीश कुमार को कौन सी मुगली घुट्टी 555 पिलाई, ये बताइए। देखिए पहली बात जिसमें बच्चा बोलता है ना आ मीठी मीठी, ये कौन सी मुगली घुट्टी थी? दीपक जी आपके बोलने से मुझे ये ऐड याद आ गया, लेकिन बहुत पुराना ऐड याद करा रहा हूं, ऐड याद आ गया। बात ये है लेकिन कि आप कांग्रेस की साइकोलॉजी देखिए, जब तक नहीं, नहीं, उनके साथ है। सवाल यार बता दीजिए ना, क्या बोलते हो गया रहता है वो दूध का धुला हो, चाहे भी तरीके की डायलॉगबाजी करी हो, चाहे देश बांटने की बात करी हो, टुकड़े करने की बात करी हो, बिहार में कुछ नहीं बोलेंगे पूरे, अभी अभी चले जाए अलग हुए उनकी नीयत सवाल है। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने नीतीश कुमार को कौन सी मुगली घुट्टी 555 पिलाई, मुझे तर्क ये गले नहीं उतरता कि उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है इसलिए वो एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार जी को सच्चाई, उन्होंने थाली खींच ली थी आपके आगे, सच्चाई पता चल गई, उनको ये समझ में आया देश किसके हाथों में सुरक्षित है, किसके साथ चलना चाहिए अगर अपने लोगों को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे लेकर जाना है, उसी का साथ दिया, अच्छा किया उन्होंने। मैं तो ये बोलूंगी कि जिसको भी देश का भला चाहिए वो मोदी जी के साथ आ जाए, अभी भी देर नहीं है। ये है ठगी, इसको ठगी कहते हैं कि चुनाव हमारे साथ लड़ेंगे और ठगी जो है बिहार में बीजेपी के साथ करेंगे, और ये पूरे देश का ये गुजरात मॉडल है दीपक भाई, तो आप जा रहे हैं, ये गुजरात मॉडल, ये मूल रूप से गुजरात मॉडल है। अच्छा आप सुनिए, मुझे लग रहा है दोनों में से कहीं से जलने की बुआ रही है, दोनों में से कहीं से जलने की बुआ से आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं इनसे कि भाई ये जो ठगबंधन आप बिहार में करते हैं, हमारे पास 21 दल तो आप कहते हैं इनके पास 43 दल जिसमें पीडीपी जैसा देश द्रोही अकॉर्डिंग टू बीजेपी, इतनी बेइज्जती करी, कहा कि अरे 80 सीटों पे लड़ी है दिल्ली में, इनकी जो हालत हो रखी है, बोलना ही नहीं है तो उत्तर कौन चाहता है? चारू मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, आपने इस बार मैनिफेस्टो में कहा है कि धारा 370 और 35 ए को हम खत्म करेंगे, आपने उसकी एक डेडलाइन दी, 5 साल आप सरकार में रहे, 35 ए को लेकर सरकार के अंदर काफी डिस्कशन हुआ और 35 ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था, ऐसा क्या कारण था कि सरकार ने 35 ए पर अपना स्टैंड, जो कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेजेस देता है 35 ए, उस सरकार ने उस पर अपना स्टैंड ही सुप्रीम कोर्ट को बताना उचित नहीं समझा? चूंकि आपने ये मुद्दा उठाया पीडीपी वाला, इसलिए मैं इस पर आया हूं, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए दीपक जी, जब हमें बहुत ज्यादा बदलाव लाने होते हैं, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना होता है, तो सरकार का सबसे पहले मैं तो ये पूछ रही हूं, लोगों के बारे में सोचिए, वहीं आ रही हूं, बताएंगे ना, वहीं आ रही हूं, सरकार का मत बताएंगे ना, आप मुझे, सरकार का ये मत है, आप मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलिए, तो जब मैंने बोलने के लिए बोला जी, जब सरकार को हर तरफ से सब ठीक लगता है उसके बाद सरकार निर्णय लेती है और उसके बाद सरकार आगे बढ़ती है, ये आधी कच्ची पक्की खिचड़ी न्याय की तरह हवा में फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जैसा कांग्रेस कर रही है, अभी तक कर रही है, हवा में बातें कर रहे हैं, हम इतने पैसे दान में दे देंगे, अरे इतना तो हमारे देश का सालाना बजट नहीं है जितना ये पैसा बांटने की बात करते हैं, जनता बेवकूफ है क्या? जनता इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, और जनता और साथ में दूसरे नेता, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ी हुई है, ना इनको वोट मिल रहे, ना इन्हें गठबंधन के साथी मिल रहे। बताइए, जवाब दीजिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ना वोट मिल रहे, ना गठबंधन के साथ ही मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा, सच्चाई ये है कि इस तरीके की, मतलब जिनसे कट्टी है उन सबसे दोस्ती हो जाएगी दौड़ दौड़। हाँ, मैंने कहा ना इस तरीके की फालतू बातों का, आप भी मुगली गुट्टी 555 बिल्कुल है हमारे पास, हमारे पहले से जोड़े एकदम बिल्कुल नहीं टूटेगा, इनको नहीं आने देंगे, मोदी नहीं आ रहे, मोदी सिर्फ जा रहे हैं। हम आपको एक लाइन डोनेशन मिला है जाकिर नाइक से, अच्छा अब आप कैसे मिले हैं? देखिए मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि आपका मीटर गड़बड़ कर राजपूत जी का डन है, चारों चारों राजपूत जी का डन है, राजपूत जी जवाब दीजिए। मैं आपको 35 ए पर बता दूं, देखिए आपके सामने आपने सारी चीजें रख ली, जब ये पीडीपी से गठबंधन करते हैं तो 35 ए 370 अफसा ये सबको किनारे कर देते हैं, और जब ये जैसे ही पीडीपी से हटाते हैं, पत्थरबाजों को छोड़ते हैं, सेना के जवानों पर और सेना के मेजर पर मुकदमे लागू करते हैं, चालू लगते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से उस मेजर का पिता हटवाता है, आप देखिए ये स्थिति कभी इतिहास में अगर हुई हो तो आप
बता दीजिए, ये इनकी कश्मीर नीति पर। और उसके बाद जब आते तुरंत आ जाते कि साहब हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है तो उस वक्त कहते हैं कि यासीन मलिक से लेकर के जिलानी से लेकर के हम संविधान के दायरे में भी बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत के दायरे में बात करेंगे। यह भाजपा का ऑफिशियल स्टैंड है, यह कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। मैं आपको बताऊं, आप इस चीज को देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र। अब जब आती है बात, आती है नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में ये लोग किससे समझौता करते हैं वो भी आपके सामने है। आप इस स्थिति को देख लीजिए दीपक भाई, चूंकि आप तो पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, तो इनके चरित्र में ही दोगलापन है और उसी दोगलेपन के कारण ये लोग बिहार में भी समझौता करते हैं और 20 सेकंड का जवाब महाराष्ट्र में भी। जी 20 सेकंड का जवाब ये है कि आपने खुद ही बता दिया राजपूत जी, घुली मिली सरकार के कितने नुकसान है, इसीलिए इस बार जनता पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली संसद में बिठाएगी। उन्हें मालूम है हमें एक मजबूती की सरकार चाहिए, मजबूरी नहीं चाहिए हमारे देश को। चलिए ये बहुत अच्छा डायलॉग है, ये मैं बहुत बोलता था, लेकिन अब इसको प्रधानमंत्री ने अपने कैंपेन के स्टाइल बना लिया है कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगला सवाल सीधे आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, इसलिए मेरा सवाल आप ही से शुरू होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव न लड़ना मोदी के लिए वॉकओवर है? मुझे ये बताइए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, इस पर बड़ा डिस्कशन हुआ, खूब चर्चा हुई, अगर प्रियंका गांधी लड़ लेती तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर जाता? आपने एक अपॉर्चुनिटी छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वॉकओवर दे दिया, आप मैदान से ही हट गए, रणछोड़दास हो गए। दीपक भाई आप इसे सक्से ख्याति लब सक्से, ये हमें उम्मीद नहीं है। देखिए मैं तो वो कह रहा हूँ जो जनता कह रही है, मैं वो कह रहा हूँ जो जनता कह रही है। मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद जो जवाब आपका, चूंकि आप यहाँ के सरबरा हैं और आप सरपंच हैं, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जनता जनार्दन होती है चुनाव में। आप प्रियंका गांधी को लड़ाइए, आप दीपक चौरसिया को लड़ाइए, अगर जनता में नीतियों से असंतोष है, 2014 का जो भारतीय जनता पार्टी का बनारस को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें से इन्होंने 50% काम भी पूरे किए होंगे तो जनता इनको चुनेगी, वरना जनता अजय राय को चुनेगी। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि अजय राय थी खांटी का बनारसी है आप, और तीन तीन बार का प्रियंका के बारे में बात करो, अजय राय की बात करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर आपका मीटर खराब हो जाएगा, मैं फिर जमानत जब्त हो गई थी अजय राय की, ये सच्चाई है। और जब तक ये चुनाव खत्म होगा आपके, अजय राय जी भी बोलेंगे अब की बार मोदी सरकार, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। अच्छा पहले तो आप पुराने भाजपाई, आपको पता होगा, देखिए पुराने भाजपाई अजय राय तो ये है ना, सबसे पहले पुराने भाजपाई पुराने कांग्रेस, आपने उनको टिकट दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं दीपक भाई, अगर आप जवाब नहीं लेना चाहते, इनको बीच में बुलवाना है तो आपका मीटर खराब हो जाएगा। मीटर के लिए नए नियम आपको बताऊंगा, एक सेकेंड। तो तीसरे सवाल पर हम फिर जाएंगे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव न लड़ना मोदी के लिए वॉकओवर है? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सीधा सवाल मेरा, इसको हवा खुद प्रियंका जी ने दिया अमेठी और रायबरेली में, जब उनसे पूछा गया आप चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने कहा बनारस ही क्यों नहीं। उनसे बात शुरू हुई और बात चलती रही, उनसे बार बार पूछा जाता रहा, वो कहती रही कि कांग्रेस अध्यक्ष जो कहेंगे मैं वो फैसला लूंगी। बिल्कुल ठीक, प्रियंका को न लड़ाना क्या कांग्रेस का एक गलत फैसला नहीं है? क्योंकि अगर प्रियंका लड़ती तो पूरे देश का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता और ये तर्क नहीं चलता क्योंकि कि प्रियंका प्रचार नहीं कर पाएंगी क्योंकि वहां पर चुनाव सबसे आखिर में है। देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, हमें किस कैंडिडेट को कहां लड़ाना है ये हमारा हाईकमान निर्णय करता है, और उस हाईकमान ने निर्णय किया कि प्रियंका जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रियंका जी चुनाव लड़वा रही हैं। आज की डेट में प्रियंका जी पूरे 400 से ज्यादा कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वा रही हैं और पूरे देश भर में चुनाव लड़वा रही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारी जगहों पर चुनाव लड़वा रही हैं, तो स्वयं ही लड़ रही हैं हर जगह पर, ऐसा तो है नहीं। हां पार्टी ने, उन्होंने स्वयं कहा कि अगर क्या लड़ जाऊं, कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्टिंग के लिए कहा, कभी उन्होंने आधिकारिक रूप से नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूं। और रही बात फैसले, पार्टी के फैसले ना तो टीवी स्टूडियो में होते हैं दीपक भाई, और न ही जो है हम आप करते हैं फैसलों की समीक्षा हाँ, में जरूर होती है। मैं सहमत हूं और मैं वो कह रहा हूं जो देश कह रहा है, जो देश के लोग
परसेप्शन के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनको लगता है कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को वॉकओवर दे दिया। सीधा सा सवाल, मैं दीपक भाई आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। आपकी निर्मम मीमांसा भी मुझे कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती है। आपकी मीमांसाओं का स्वागत है मेरे पास में, लेकिन पार्टी को क्या फैसला करना है ये हमारे ऊपर छोड़िए। और रही बात चुनाव हारने और जीतने की, तो मैंने फिर से पहले कहा कि चुनाव हराती और जिताती जनता है। इसी जनता ने 1984 में भाजपा को 2 सीटों पर रखा था और हमें 413 पर रखा था, वो भी आपने देखा। और इसी जनता ने हमें 44 पर रखा था और भाजपा को 283 पर रखा था, ये भी आपने देखा। यहां पे व्यक्ति कहां महत्वपूर्ण हो गया? जनता जनार्दन है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है। मैं कहूंगा राहुल गांधी हमारे लिए तो जनता जनार्दन, इनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। मोदी जी महत्वपूर्ण होंगे, हमारे लिए तो जनता जनार्दन। तो आपके लिए राहुल जी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जनता जनार्दन, राहुल जी महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के सोनिया जी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी सब जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और लड़वा रहे हैं। जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की चारों जवाब दीजिए, हमारा आधिकारिक लाइन। चारों जवाब आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं राजपूत जी की कही हुई एक लाइन पर थोड़ा ऑब्जेक्शन दिखाना चाहूंगी। ये कहते हैं कि प्रियंका जी बिजी है क्योंकि दूसरे लोगों को लड़वा रही है। भाई मोदी जी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह जी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। आपकी नेता को क्या परेशानी है जी? दूसरी जगह जाके प्रचार नहीं कर सकती थी वो और अपनी चुनाव नहीं लड़ सकती थी? क्या राहुल गांधी दूसरी जगह जाके प्रचार नहीं कर रहे? वो भी तो लड़ रहे हैं। तो ये आपने जो लॉजिक दिया है ना, ये गड़बड़ है। दूसरी बात, आप अपने पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट सुनिए, स्पोक्सपर्सन्स के स्टेटमेंट सुनिए, आपकी कहानी स्ट्रेट नहीं है। एक कहता है प्रियंका ने मना कर दिया, एक कहता है राहुल ने मना कर दिया। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में राहुल गांधी सिर्फ मोदी से नहीं अपनी खुद की बहन से भी डरता है। और अगर ये बात गलत है तो आपको चैलेंज करती हूं मैं, शो खत्म होने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर दीजिए प्रियंका जी के फेवर में, एक ट्वीट कर दीजिए। आप नहीं कर सकते, आप जानते हैं, क्योंकि एक प्रियंका गांधी का कैंप है, एक राहुल गांधी का कैंप है। और दीपक जी मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया मैं अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर सकती हूँ। भाई 5 साल पहले हिम्मत थी उस इंसान में जाके वाराणसी में मोदी जी के सामने खड़े होने की। कांग्रेस पार्टी ने उस आदमी को सामने लड़ाया है जिसकी पिछली बार जमानत तक जब्त हो गई थी। वाराणसी तो एक तरफा वोट डालेगा, लेकिन आप हिम्मत तो करते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेताओं में से हैं। ये लीजिए, आप बताइए क्या कहना है। चलिए चारों बताइए, ट्वीट कर रहे हैं प्रियंका गांधी के फेवर में, क्या कहना है? क्या लिखवाना चाहिए? बोलिए ना आप, ये बोलिए आप, पूछिए मत, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि हमारे वकील है ना, वकील है ना। आप इस देश को दलील और अपील से चलाना चाहती हैं। ये देश भावनाओं से चलता है, कामों से चलता है। ये देश आप जैसे लोगों के वकीलों से नहीं चलता। भटका देंगे और मैं आपको बता दूं, आपको भटका देंगे। नहीं नहीं, ये भटकाने वाले नहीं, हमारे सर्वोच्च नेताओं में से एक है। सुरेंद्र राजपूत ने कह दिया, लेकिन ये कहेंगे कि अडवाणी नरेंद्र मोदी से बड़े नेता है। करें ये ट्वीट, मैं कर देती हूँ। करिए, हाँ करिए, करिए करिए कि अडवाणी चलिए आप बड़े नेता करिए। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल से बड़े नेता अडवाणी है, करिए। एक बात कहना चाहती हूँ पूरी विनम्रता के साथ, मोदी जी अडवाणी जी के पैर छूते हैं। भाई मोदी जी कहिए ना, कहिए ना, ट्वीट बड़े नेता है, करिए ट्वीट ही बड़े। अरे ट्वीट करिए, आप ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट करिए, जल्दी करिए। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, राहुल और प्रियंका पीएम के बनारस वाले रोड शो की तरह कोई ग्रैंड शो क्यों नहीं कर पाते? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जवाब दीजिए। हाँ। आप लोग किसी भी तरह के प्रबंधन में, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी तरह के इवेंट मैनेजमेंट में फेल हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि 21वीं सदी इसी से चलेगी।
मैं आप जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है सुरेंद्र सिंह राजपूत। दीपक जी मैं आपसे करबद्ध होकर के कह रहा हूं कि हमारे पास सच में इवेंट मैनेजमेंट के पैसे नहीं है और अगर होंगे तो हम जनता की भलाई में लगाएंगे। नेशनल हेराल्ड वाले कहां गए? नंबर एक। अब आप देखिए अगर आप इस तरीके की बात करेंगे मैं तो पूछ रहा हूं आपसे भाई, आपकी संपत्ति है वो। नहीं नहीं जीजा जी के पास भी पैसों की कमी नहीं है। अगर ये फिर भी जीजा जी के पास बहुत, अगर ये नेशनल हेराल्ड में अगर चार आने की भी हमारी बेईमानी हो तो हमारी गर्दन काट दीजिएगा। आपकी आपको बता दूं। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, वो संपत्ति राष्ट्र की है और वो संपत्ति सुन लीजिए दीपक भाई, आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम नहीं है। आप जैसे लोगों को भी अगर मालूम है तो मुझे अच्छा मालूम है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति और मुझे सरकार सदस्य आज जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने थे तब जवाहरलाल ने सारी संपत्ति सारे के सारे नेशनल है। और सुनिए संपत्ति पर्सनल अकाउंट बिल्कुल नहीं है, पर्सनल अकाउंट की बिल्कुल बताइए, बिल्कुल नहीं है पर्सनल अकाउंट की, बिल्कुल नहीं है पर्सनल अकाउंट कारण से आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। किस कारण से सोनिया जी और राहुल जी ये सारी चीज आपको कोर्ट में क्लियर हो जाएगी। हमारे पास बताइए राष्ट्रीय बताइए नेशनल हेराल्ड अगर आप चोरों का साथ दे रहे हैं, दीपक चौरसिया चोरों का साथ दे रहे हैं, जिसका गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, चोरों का साथ, बिल्कुल चोरों का साथ दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपको नेशनल हेराल्ड के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं, चारू बताइए नेशनल हेराल्ड के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड बिल्कुल। और दूसरी बात, आप लोगों को न राजस्थान के शो दिखाई देते हैं, न केरल के शो दिखाई देते हैं, न कर्नाटका के शो दिखाई देते हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि आप चौरसिया को एक भक्ति का चश्मा लग गया है। आप कुछ भी बोले बिल्कुल एक भक्ति का चश्मा लग गया है। और दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड में सारी कोई वो नहीं है। जो सवाल चारू से पूछता हूँ वही आपसे पूछता हूँ, बताइए चारू नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ और क्यों सोनिया और राहुल जमानत पे हैं? दीपक जी सबसे पहली बात तो राजपूत जी को जो जय गांधी नहीं बोलेगा ना वो इनको खराब अरे लगेगा। भाई हम जय गोडसे बोलने वाले नहीं, हम तो जय गांधी ही बोलेंगे। और आपको भी बुलवाते हैं, जब विदेश में आप जाते हैं हम तो आपको भी जय गांधी ही बोलना पड़ता है। बोलो जय गोडसे की है हिम्मत, बोलो जय गोडसे की है हिम्मत, शुरू हो गया, बोलिए कहिए ना। अच्छा एक बात कहिए, देश के पहले आतंकवादी को मैं बोलना चाहती हूँ, कहिए जय गोडसे की आप ही लोग बोलेंगे। आप गांधी की जय हम आपसे भी बुलवा देते हैं, अमेरिका में भी गांधी की जय बोलते हैं आप, पूरी दुनिया में गांधी की जय बोलते हैं आप, आपके पास और कोई चारा नहीं है गांधी की जय बोलने के अलावा, आपकी मजबूरी है गांधी की जय बोलना। अच्छा हो गया, अब आपका जी गांधी की जय आप भी बोलेंगे, आपकी मजबूरी है गांधी की जय बोलना, बोलना नहीं चाहते गांधी के हत्यारों के सैद्धांतिक साथी लोग, बोलना नहीं चाहते लेकिन गोडसे की जय आप नहीं बोल सकते। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मुझे ये तो बता दीजिए, दीपक जी अब मुझे ये तो बता दीजिए, मैं गलत था मुझे बताइए, बताएंगे नेशनल हेराल्ड का केस क्या है आपको, मुझे बताइए केस है किसका हत्यारा है, मुझे कोई मतलब नहीं उसका पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जिसने हत्या की उसको सजा मिल चुकी है। एक बात मैं कहना, नाथूराम गोडसे के साथ क्या हुआ देश जानता है, मुझे बताइए नेशनल हेराल्ड का केस क्या है, बताइए जी। पहले तो आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, मैं आपके बाजू में बैठी हूँ, इतना प्रोटेस्ट मत करिए, इतना मत करिए भाई, आपकी बोलना मजबूरी है, कुछ भी पूछिए मैं चिल्लन चिल्ली नहीं करूंगी। आप क्यों चिल्लन चिल्ली पर उतर जाते हैं, अब मैं अच्छा मजबूरी नहीं, तब आप चिल्लन चिल्ली करती हैं। आप मुझे बताइए जब मेरा समय शुरू होगा मैं तब बोलूंगी। धन्यवाद, आप बता दीजिए नेशनल हेराल्ड का केस, गांधी जी के नाम पर तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया, आप क्या बात कर रहे हो, हम तो सच्चे गांधी की पूजा करते हैं, बोरोड नेम गांधी की नहीं, नहीं करते हम, खाली बात ही सब करेंगे आप, गांधी की आप गोडसे की जय गांधी की बात हम करते हैं ना भाई, आप मेरे मुंह में अपने शब्द क्यों डाल रहे हैं, आपको जो बोलना है आप बोलिए ना, और तो फिर से मेरी आपसे अपील है, गांधी की जय नहीं बोलते, मैंने ये नहीं कहा, आपके कानों में भी शायद परेशानी है, मैंने ये बोला झूठे गांधी की हम बात जानते हैं,
क्यों भटक रही हैं आप मुझे बताइए, मुझे सुरेंद्र सिंह जी आप बता दीजिए, राजपूत साहब। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक नेशनल हेराल्ड का केस है, क्या मुझे इतना बता दीजिए, यही केस है ना कि उन्होंने ट्रस्ट की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया है, जिसको उन्होंने उसकी सारी प्रॉपर्टी क्षमा मांगनी। एक शब्द है करप्शन, ये करप्शन है जो नेशनल की घूस के कैमरे पर पकड़े हुए लोग हमें राहुल गांधी और उनके परिवार के द्वारा कई बार लोग हमें बता रहे हैं कि हम अपराधी हैं। ये दो क्लीन चिट बंगाली लक्ष्मण बात करते हैं, बंगाली लक्ष्मण बात क्यों कर पाते हैं आप अपने पार्टी के अध्यक्ष। हम फिर आएंगे इस सवाल पे कि नेशनल हेराल्ड का केस है क्या, लेकिन मुझे अगले सवाल की तरफ चलना पड़ेगा और मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सवाल नंबर 6 लेंगे। और सवाल नंबर 6 है कि क्या चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे नहीं चल पाए, इसीलिए मोदी के व्यक्तित्व को मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी? चारों जवाब दीजिए। आखिरकार क्या कारण है कि आपको एक ग्रैंड रोड शो करना पड़ा, आप बायोपिक रिलीज नहीं करवा पाए तो आपने अक्षय कुमार को बायोपिक के मासिक एक इंटरव्यू दे दिया, और मोदी को आप फोरफ्रंट में रखना चाहते हैं 5 दिन से लगातार मोदी टेलीविजन पर, हफ्ते में 7 दिन 5 दिन लगातार मोदी टेलीविजन पर, तो आपको लग रहा है कि अब मोदी के नाम पर ही नैया पार होगी? दीपक जी, पहले तो मतलब एक बचपने वाला सवाल है मेरा आपसे, अगर मोदी खुद कैंपेन कर सकते हैं, अगर मोदी खुद जहां कैंपेन कर रहे हैं एक बड़ी स्क्रीन पर दिख सकते हैं, तो भाई उस पिक्चर में क्या परेशानी है? आते कहां एक से मिनट है? एक मिनट आप बताइए ना, वो पैसा आता कहां से? 30 लाख रुपए की इनसिक्योरिटी इतनी लाउड है तो चुप नहीं होती। 30 लाख रुपए की इनसिक्योरिटी है कि बचाई है ये लोग, जो हजारों लोग गुजरात से बुलाते हैं, आप लोग बनारस में ये आते कहां से? देखिए मैं ना अपनी डिग्निटी नहीं लूज करना चाहती, मैं चिल्लाना नहीं चाहती, इसके बाद मेरे और दो डिबेट हैं तो मैं अपना गला भी बचाना चाहती हूँ। मैं तथ्य की बात कर रही हूँ, आप पार्टी के लोग हैं गला बचा के चलते हैं, गांधी की मैं तथ्य की बात कर रही हूँ, आप वही जवाब सुनिए। मोदी जी के बचपन के ऊपर एक पिक्चर पहले भी आई थी भाई, आज उसको तो हम नहीं रोक रहे, उसमें जिसमें उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया था। सुरेंद्र जी, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, जब मेरा समय चल रहा है आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैं आपको बोलने दे रही हूँ, चाहे कितनी भी बेसर पैर की बातें कर रहे हैं। अच्छा, और जहाँ तक व्यक्तित्व की बात आती है, व्यक्तित्व बेसर पैर की बातें कर रहे हैं, जब वोट खुलेंगे आपको पता चल जाएगा, वाराणसी एक तरफा चल रहा है और वाराणसी से जो मैसेज निकला है, जंग का ऐलान हुआ है, जंग उन लोगों के खिलाफ जो परिवारवाद पर चलते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो देश का पैसा लूटते हैं नेशनल हेराल्ड जैसे केसेस में, उनके खिलाफ जो हमारे साथ गरीबों के साथ अन्याय करते हैं भाई, 60 साल से 60 साल से कहते हैं गरीबी हटाएंगे, आज भी उनकी बातें करते जा रहे हैं हम, उसके बाद राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और वहां से वाराणसी से जो गूंज हुई है पूरे देश में सुनाई दी है। जहां तक रोड शो की बात है, क्या प्रियंका गांधी ने वाराणसी में रोड शो करके अपना कैंपेन शुरू नहीं किया था? आप जानते हैं उस रोड शो में कितने लोग नहीं आए थे, सच्चाई ये है वहां कोई नहीं आया। ये प्रयत्न करते हैं लेकिन इनको जनता नहीं मिलती, जनता कहां मिली इनको? वाइनयार्ड में। वहां क्यों मिली आप सब जानते हैं, मैं इस तरीके की बातें अभी और करना नहीं चाहती। तो सच्चाई ये है कि जिसके पास पर्सनालिटी है बोल रही थी। वो पर्सनालिटी दिखाई देती है, जब आपके पास किसी की पर्सनालिटी है ही नहीं, आप दिखाएंगे किसको? सीधा सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है मोदी की पर्सनालिटी को ये आगे करेंगे और मोदी और राहुल में कंपैरिजन होगा तो मामला आपका गड़बड़ा जाएगा, आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी? दीपक भाई, देश सांसद चुनता है और राष्ट्रपति, जो सवाल जो जवाब आपका, आप जो भी मान लें, आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन तर्क आप अपनी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो एक छोटी सी बात, और राहुल जी जमानत पे क्यों है नेशनल हेराल्ड के? मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं भरे भाई मुझे बता दीजिए, छोटी सी जमानत पे मैंने तो एक छोटी सी बात पूछी कि देश राष्ट्रपति चुनता है या सांसद? देश प्रधानमंत्री भी चुनता है? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं चुनता, देश सांसद चुनता है। ठीक है, ठीक है ना? अगर अगर आप इस बात को कहेंगे तो बहुलतावादी लोकतंत्र में आप बहुलतावादी लोकतंत्र की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आप समय के साथ वाली बदलेंगे आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप जो सांसद भी चुनता है और जिसकी नियत पे नीति पे देश को विश्वास है, देशवासी उसी की पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सच है। हमको मालूम है अगर हम
अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो मोदी जी को चुन रहे हैं। क्या आपको पता भी है अगर आप चुनाव जीत भी गए गलती से आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा जी? आपको पता ही नहीं है? अरे हमारी बात मत करिए, हम देश को ये बता रहे हैं, ये है आपका लीडर, ये है जो आपको आगे बढ़ाएगा, ये है जो देश चुनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में इतने दम के साथ रखेगा जैसे कांग्रेस वालों ने कभी नहीं रखा। अरे कांग्रेस के तो नेता वो है जो अमेरिका में जाके रहते हैं और कहते हैं बीजेपी आईएसआई के बराबर है। कितनी गंदी बातें आप करते हैं भाई देश के बारे में। कम से कम आज हमारा नेता, हमारा लीडर, हमारा प्रधानमंत्री जब विदेश के बारे में होता है गंदी बातें आप लोग करते हैं, पठानकोट में आईएसआई को बुला करके गंदे लोग हैं, इज्जत मिलने लगी है, देशद्रोही लोग हैं आप। आईएसआई को पठानकोट में आप बुलाते हैं, आप देशद्रोही की बात करते हैं। उस आईएसआई को बुलाते हैं जिस आईएसआई ने हमारे यहाँ धमाके कराए। आप आईएसआई के साथी होते हैं। सिर्फ राहुल गांधी जी थे जो अमेरिका के एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे ड्रग कैरी करते हुए। तो ये सच्चाई है भाई, भाई अगर ये सवाल आपका है और आपका चैनल इस सवाल को कैरी कर रहा है, या तो आपके पास प्रमाण हो और नहीं तो चैनल क्षमा मांगे। मोदी जी चैनल बिल्कुल क्षमा नहीं मांगेगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी और इतनी गंदी टिप्पणी की है, अगर इनके पास चैनल क्षमा नहीं मांगेगा मैं, और अगर ये बात है तो निश्चित तौर पर ये बात चारू प्रज्ञा का अगर ये बयान है तो चारू प्रज्ञा और क्या नाम चैनल पर वो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये इस चीज को चाहिए और इस चीज से बाकायदा कंटेक्ट होगा कि अगर आप ये बताएंगे कि चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। साफ कर दिया मैंने, अगर राहुल गांधी के बारे में इतनी अभद्र, इतनी ओछी और इतनी गंदी टिप्पणी की है इन्होंने, अगर ये सच्चाई है, अगर इनके पास प्रमाण है तो ये प्रमाण दे, नहीं तो रात से क्षमा मांगे। इतनी गंदी, इतनी नीच और इतनी निर्लज्ज सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो सकती है, और वो लोग नीच भी है, वो लोग कुलक्षणी भी है। ये वो बोल रहे हैं निर्लज्ज लोग हैं, जिस तरीके जिनके पास बगैर प्रमाण के मैं अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लगाऊं, मेरे सवाल का जवाब, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ये बोल रहा हूं, गंदे आरोप लगाऊं सुरेंद्र सिंह राजपूत, नहीं नहीं सवाल का किस तरीके की राहुल गांधी के बारे में आप सुन रहे हैं और बाकी चीजें आप कह रहे हैं दीपक जी, सिर्फ एक सवाल, नहीं नहीं आप मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी के बारे में जो इन्होंने कहा क्या वो उचित है? आप चिल्ला सकते हैं तो मैं भी चिल्ला, बिल्कुल चिल्लाइए सर, मैं बिल्कुल चिल्ला सकता हूं। इन्होंने जो कहा ये इनकी टिप्पणी, बिल्कुल मेरी टिप्पणी, और ये तो ये नीच है, निर्लज्ज है और भारतीय जनता पार्टी देश द्रोही है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, किसी लड़की के लिए आप नीच शब्द का इस्तेमाल, मैंने भाजपा के लिए कहा है, बिल्कुल कहा है, मैंने भाजपा के लिए कहा है, बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई कहेगा, राहुल गांधी के खिलाफ कोई कहेगा तो सुनेगा, नहीं कर सकते, बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ जो कहेगा तो वो सुनेगा, किसी भी लड़की, राहुल गांधी के खिलाफ जो कहेगा वो सुनेगा, कहेगा तो वो सुनेगा, किसी भी लड़की, राहुल गांधी के खिलाफ जो कहेगा वो सुनेगा, आप किसी लड़की के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जो कहेगा किसी भी लड़की के खिलाफ, सुनिए राहुल गांधी के खिलाफ जो कहेगा वो सुनेगा, करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करते हैं। दीपक चौरसिया, आपके मुंह में तब दही जम जाती है जब ये राहुल गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी से बिल्कुल करना, और जो राहुल गांधी के बारे में कहेगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राहुल गांधी के बारे में जो कहेगा मैसेंजर से कुछ नहीं होता है, शूट मैसेंजर से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सुनेगा। और आप, मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं, आपकी जो टिप्पणियां होती है ना पत्रकारों के बारे में, एंकर्स के बारे में, बड़ी ओछी, घटिया और निम्नतम स्तर की होती है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लायक नहीं है, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लायक नहीं सर, पूरी तरीके से सुनेंगे इस, और ये डिसाइड दीपक चौरसिया को नहीं करना है, ये डिसाइड देश की जनता कर लेगी, ये मेरी पार्टी जनता कर लेगी, मेरी अपनी अपनी मेरी अपनी अपनी और मेरी टिप्पणी है, ये जो चाटुकारिता है अपनी जेब में रखिए, आप अपनी चाटुकारिता अपनी जेब में रखिए, आप अपनी बिल्कुल अपनी चाटुकारिता रखिए, मुझे मेरी पार्टी स्पोक्सपर्सन बनाती है, आप नहीं बनाते, आप अपनी चाटुकारिता बिल्कुल अपने पास रखिए, अगर इस्तेमाल करें ना मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, तो सोच समझ के क्या करिए, बिल्कुल आप पूरी तरीके से दीपक भाई, मैं तो आपसे जुम्मे सात दिन हुए स्पोक्सपर्सन बने और 30 साल से ये काम कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस बात, 2000 स्पोक्सपर्सन।